तो क्या गाइस पीजे एक्सप्लेन ने एलविस यादव को ट्रोल कर दिया। तो रणबीर कपूर का गाइस एक मूवी आने वाला है जिसमें कि गाइस अंजलि अरोड़ा को सीता माता का रोल मिला था, लेकिन अभी गाइस अंजलि अरोड़ा को तो ट्रोल लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद गाइस यहां पर पीजे एक्सप्लेन ने एलविस यादव को भी ट्रोल कर दिया। और पीजे एक्सप्लेन ने गाइस यहां पर यह भी कहा कि अंजलि अरोड़ा को अगर उसमें रोल मिल सकता है तो उसमें एलविस यादव को भी रोल मिल सकता है। और एलविस यादव को तो गाइस इन्होंने यहां पर रोस्ट भी कर दिया। क्या कहा आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। रणबीर कपूर के अलावा एक और रामायण मूवी बन रही है और ये आदि पुरुष से भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर अभिषेक सिंह श्री राम कथा नाम से एक मूवी बना रहे हैं जिसमें अंजलि अरोरा को एज मां सीता कास्ट किया जा रहा है। जहां जिन लोगों को भाई इनके बारे में नहीं पता तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर इनोसेंट, यू आर गोइंग टू हेवन। मगर अब अगर आप कच्चा बादाम के गाने को जानते हो तो भाई उन्हें इन पे डांस करते हुए भी देखा होगा। क्या डिल्यूजन है तुम्हारा, ये एक मूवी प्रोजेक्ट कम और लोगों के लिए ट्रोल मटेरियल ज्यादा लग रहा है। बाकी अगर अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो एलविस यादव को भी ये श्रीराम के लिए कास्ट ही कर लो एंड सी हाउ दी